ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे फिटर थ्योरी आईटी सेकेंड ईयर के लिए क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 25 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आपको अपने मोबाइल के फोन में गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। मोबाइल फोन में आप क्या सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करोगे पहली वेबसाइट आपके सामने मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नया टैब इस तरह ओपन होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में, अपडेट, आईटी कोड नॉर्मली आपके फोन में दिखाई नहीं देंगे। कैसे होगा उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में तीन डॉट बना हुआ उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको आईटी कोर्स वाले पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो ढेर सारे ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देंगे जिसमें आपको फिटर थ्योरी पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा और इसमें जो है आपको नीचे को स्लाइड करना पड़ेगा। नीचे स्लाइड करेंगे दो ऑप्शन मिलेगा, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, आप लोग सेकंड ईयर के सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से आपके सामने होगा। हम नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक न्यू। इसमें कोई भी पार्ट आपको डाउनलोड करना, बस सिंपली आपको ऐसे ही क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो पार्ट डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये तरीका होगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने या विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। जब तक मैं ये क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है अब तक इसका आंसर जिन्होंने पीछे का पार्ट देखा है अब तक आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ था कि कौन सा वाल्व है जो एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है, विपरीत दिशा में प्रवाह नहीं होने देता है। मैंने उसके सारे पार्ट के नाम भी बताए थे जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, पार्ट 24 में। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कभी भी आप वीडियो देखो तो सीरियल से देखते हुए आइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है तो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, है ना, हल्का हल्का बता के छोड़ देता हूं। तो अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो उतना मजा नहीं लगेगा कि यार तो समझ में नहीं आया, इसलिए पहले पार्ट से देखते हुए आइए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि हम उसको ऑप्शन में सॉल्व किए होते हैं फिर वही क्वेश्चन में आ जाता है, तब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग उसको पहले पढ़ चुके होते हैं। तो इसलिए सीरियल से देखते आइए तब ज्यादा मजा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ कह रहा है एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। भाई एक ही दिशा में प्रवाह हो और विपरीत दिशा में ना हो, कौन सा वाल्व होता है, मैंने आपको बताया था उसका नाम नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब वो वापस नहीं आने देता है, विपरीत दिशा में प्रवाह नहीं होता, सिर्फ एक ही दिशा में होने देता है। क्या कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, जिसे हम लोग रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं और चेक वाल्व भी कहते हैं, तीनों एक ही का नाम है। जो पहला वाला आपका ऑप्शन दे रखा है चेक वाल्व, या फिर इसी को NRV बोलते हैं ना, नॉन रिटर्न वाल्व, या फिर रिफ्लेक्स वाल्व भी बोला जाता है, रिफ्लेक्स वाल्व भी बोलते हैं इसको, तीनों नाम इसी के है। ठीक है, तो चेक वाल्व तो यह देख रहे हैं आप, फिगर यहां पे दे रखा है, यही है हमारा चेक वाल्व या फिर नॉन रिटर्न वाल्व। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारा ये है, ठीक है, देखिए इधर से हमारे क्या होगी, यहां से जब हमारी द्रव यहाँ पे प्रवेश करेगा तो देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा है इस पे बैठा हुआ, जो हमारा हिंज क्या है यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ बॉडी पे, जैसे ही द्रव का प्रेशर पड़ेगा या क्या होगा यहाँ पे इस पे प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से उड़ जाएगा और पानी का प्रवाह इधर से इधर होने लगेगा। ठीक है, पर अगर उधर से इधर को हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, तो क्या हम इधर से उधर को पानी भेज सकते हैं, नहीं। जैसे आप अगर पानी बंद करोगे तो अगर यह पानी इकट्ठा जो है वापस जाना चाहे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, यह हिंज पिन पे जो हमारा यह ऊपर कूद गया था यह दोबारा नीचे गिर जाएगा और पानी, क्योंकि इस पर बैठा हुआ तो इधर से पानी का प्रेशर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह पानी को आने ही नहीं देगा, इधर से पड़ेगा तब यह ऊपर उठेगा, इसीलिए यही हमारा वाल्व होता है जो एक ही दिशा में प्रवाह को होने देता है। मैंने पिछले वाले पार्ट में इसको बिल्कुल डिटेल में दूसरा फिगर भी दिखाया था कि कैसे ये ऊपर उड़ जाता है और पानी जाने लगता है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला वाला पार्ट देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि हमारा भाई चेक वाल्व है या नॉन रिटर्न वाल्व है, जो एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने देता है, विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक कर देता है। शटल वाल्व क्या है, तो देखिए ये भी हम लोग देख चुके हैं, यह है पीछे वीडियो में हमने देखा था शटल वाल्व। ठीक है, शटल वाल्व में क्या होता है, देखिए इधर एक्स इधर वाई दो पोर्ट है हमारे और बीच में हमारा पोपेट है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फ्लो वाले जो हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होते हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में हमारा पोपट टाइप वाला होता है जिसे सीट वाल्व कहते हैं, और एक जो होता है हमारा स्लाइड वाल्व होता है, स्लाइड वाल्व होता है और सीट वाल्व होता है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे देखिए पोपट वाला यूज किया गया, जो हमारा सीट वाल्व था वो पोपट वाल्व भी कहते थे। पोपट हमारा बॉल आकार का हो सकता था, देखिए इसमें बॉल आकार का पोपट है,
कोन वाला हो सकता था, कोन सीट, बॉल सीट और डिस्क सीट, मैंने तीनों बताई थी आपको पीछे के वीडियो में, ये सब डिटेल मैंने बता रखी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यह है हमारा शटल वाल्व। शटल वाल्व में क्या होता है, देखिए इधर से यहाँ पे एक बीच में पॉपेट होता है, जिस बॉल की आकृति का पॉपेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है इधर, और इधर लिखा हुआ है क्या, इधर हमारा वाई है। अगर हम लोग डायरेक्शन इधर से क्या करते हैं, इसमें देखिए इधर से फ्लो हो रहा है, अगर हमारी वायु इधर से आती है, वायु आया हमारा लिक्विड है, अगर मान लीजिए वायु का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, ये बॉल जो है हमारा क्या होगा, इस वाले इधर को खिसक जाएगा भाई, इधर हमारा इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, दो हमारे यहाँ पे पोर्ट है। अगर इस पोर्ट से हमारा क्या होता है, इधर वाले वायु वाले पोर्ट से हमारा, अब वायु अगर इसमें मान लीजिए प्रवेश कर रहा है, जल प्रवेश कर रहा है, तो यह क्या होगा, जो हमारा पोपट है यह खिसक करके एक्स वाले साइड में जाएगा और इसको यहाँ पे चिपक जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा, और हमारा यह जो वायु आएगी इधर से बाहर निकल जाएगी, इसे ए पोर्ट से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, समझ में आया। और अगर हम यही क्या करें, हम लोग एक्स वाले साइड से अगर वायु का प्रवाह करें, किधर से करें, एक्स वाले साइड से, अगर एक्स वाले साइड से वायु का प्रवाह किया जाएगा, तो अब यह जब बॉल है हमारी, जो पोपट है हमारा, खिसक के कहां आ जाएगा, तब यह आकर के इस साइड में चिपक जाएगा भाई, इधर से प्रेशर पड़ेगा हवा का, यह यहां से जाकर के इस वाले वाल, अब इस वाले मार्ग को यह बंद कर देगा, वायु वाले जो निकास है, या कह लीजिए जो हमारा पोर्ट है, वाई पोर्ट को यह बंद कर देगा, वाई पोर्ट बंद हो गया, अब एक्स पोर्ट से आएगा और फिर ए पोर्ट से निकल जाएगा। मतलब चाहे हम इधर से इसको इनपुट दे, चाहे इधर से इनपुट दे, दोनों केस में क्या होगा, अगर इधर से देंगे तो यह हमारा जो पोपट है यह वाई वाले पोर्ट को बंद कर देगा और ए से निकल जाएगा, अगर वाई पोर्ट से हम लोग इनपुट देते हैं तो हमारा पोपट एक्स पोर्ट को बंद कर देता है, फिर वाई से निकल जाता है। मतलब जो हमारा शटल वाल्व होता है ना, यह दो एनआरबी के फेस को लगा करके बनाया जाता है और इनमें एक कॉमन पोपट होता है भाई, दो एनआरबी को मिला करके बनाया गया और इनमें एक कॉमन पोपट होता है। कई बार अभी पूछ लेता है कि कौन सा वाल्व दो एनआरबी के फेस को मिला करके बनाया जाता है, तो दो एनआरबी को मिला करके यही हमारा शटल वाल्व बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसमें दो इनलेट है, एक इनलेट इधर है, एक इनलेट इधर है, और आउटलेट क्या है, दोनों का आउटलेट एक ही है, क्योंकि बार बार हवा बाहर इधर से निकल रही है भाई, जिधर से बाहर निकलेगा वह आउटलेट, आउट मतलब बाहर होना, इनलेट मतलब जिधर से अंदर हो, तो जब हमने इधर से अंदर किया इनलेट, तब इधर से जब अंदर किया तो यह जो हमारा पॉपेट था इधर जाके टकरा गया, इस वाले डायरेक्शन को बंद कर दिया, एक यहां से यह बाहर निकल गया, तो यह हमारा आउटलेट हो गया। फिर जब हमने वाई से इनलेट किया, तब यह जो पॉपेट है आकर के एक्स वाले पोर्ट को बंद कर देता है और वाई से आकर के फिर ए से निकल जाता है। मतलब वाई से आएगा तब भी यह ए से निकल जाएगा, एक्स से जाएगा तब भी यह ए से निकल जाएगा। मतलब दो इनलेट हो गए, इधर से भी इनलेट हो रहा है, इधर से भी इनलेट हो रहा है, पर इनका आउटलेट क्या है, कॉमन है। इधर एक इनलेट इधर हो गया और एक इनलेट इधर हो गया, तो दो इनलेट हो गए, लेकिन इनका आउटलेट क्या है, एक ही है, दोनों का आउटलेट कॉमन है, एक ही है। तो मतलब आप कह सकते हो शटल वाल्व ऐसा वाल्व होता है जिसमें दो इनलेट होते हैं और एक आउटलेट होता है, जबकि इसमें क्या था, एक ही इनलेट एक ही आउटलेट था। और फिस चेक वाल्व, देखिए यह वाला जो फिगर है हमारा ना, और फिस चेक वाल्व का, और फिस का देखिए नाम बस और फिस लग रहा है, और फिस का कोई बड़ा तोप नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कहते ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो ये वाली हालत है इसका, कि यह जो हमारा ऑर्फिस है ना, ऑर्फिस का मतलब छिद्र होता है, बात को समझिए। ऑर्फिस क्या है, ऑर्फिस कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसे आपके कोई टंकी है, टंकी में टूटी लगाने के लिए आप होल करते हो, तो जो होल है उसी को ऑर्फिस बोला जाएगा, छिद्र बोला जाएगा। मतलब कहीं पर जो छिद्र या होल किया जाता है पानी को बाहर निकलने के लिए, वही आपका ऑर्फिस कहलाता है। ऑर्फिस कोई बड़ी चीज नहीं है ना, ऑर्फिस क्या है, एक छिद्र है जो टंकी के तली में कहीं टोटी लगाने के लिए, कुछ करने के लिए हम लोग जो छिद्र बनाते हैं, वही हमारा ऑर्फिस कहलाता है। जैसे इसमें भी होल बना हुआ है पोर्ट में, तो ये हमारा ऑर्फिस हो गया भाई, आउटलेट पोर्ट इनलेट पोर्ट, इसमें भी छिद्र बना हुआ, तो जो छिद्र बना हुआ उसी को ऑर्फिस बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि ऑर्फिस चेक वाल्व, तो ये हमारा ऑर्फिस चेक वाल्व होता है। इसमें देखिए नॉब है, नॉब की मदद से हम लोग नीडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर नीडल हमारी क्या होगी, देखिए टेपर नीडल इसमें लगाई गई है, अगर हम नॉब को घुमाएंगे और अगर नीडल हमारी क्या होगी, इस प्रेशर, देखिए पी का मतलब प्रेशर पोर्ट होता है, और ये हमारा जो होता है ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, सर्विस पोर्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्विस पोर्ट है, और पी जो है प्रेशर पोर्ट है, मतलब इधर से इनलेट होगा और इधर से सर्विस पोर्ट से आउटलेट होगा, प्रेशर पोर्ट से इनलेट होता है और सर्विस पोर्ट से आउटलेट होता है। तो ए जो है हमारा क्या है, सर्विस पोर्ट है, और पी हमारा जो है प्रेशर पोर्ट है, इनलेट वाला पोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगर नॉब को टाइट रखें, अगर हमारी टेपर नीडल है, अगर नीडल क्या होगी, इधर प्रेशर पोर्ट की जितना ज्यादा नजदीक होगी उतना ही यहाँ से क्या होगी, वायु कम जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी यहाँ पे इसको वायु के अंदर जाने के लिए जगह कम मिलेगी ना। पर अगर हम क्या करें, नीडल को ऊपर हटाएं, मतलब नीडल जो है प्रेशर पोर्ट से जितना दूर होगी उतना अधिक मात्रा में वायु जाएगी,
तो मतलब इस एक नॉर्मल एक फिक्स, देखिए ये वेरिएबल और फिक्स वाला है, मतलब हम लोग इसके और फिक्स मतलब छिद्र को कम ज्यादा कर ले रहे हैं ना, जब हम निडल को और फिक्स के नजदीक ला रहे हैं तो देखिए और फिक्स का होल कम हो जा रहा है, अगर ये निडल को और फिक्स से दूर ले जाएंगे तो और फिक्स का होल बढ़ जाएगा, मतलब हम लोग और फिक्स को कम ज्यादा कर ले रहे हैं, मतलब ये वेरिएबल वाला है। ये कौन सा हमारा ऑर्फिस चेक वाल तो है, लेकिन कौन सा वेरिएबल वाला है, और एक फिक्स्ड वाला भी हमारा ऑर्फिस आता है, फिक्स्ड वाला में क्या होगा, ये नीडल नहीं होगी, बस हमारा नॉर्मल होल बना होगा, जैसे इसमें है ना नॉर्मल होल बना हुआ है, तो हमारा फिक्स्ड वाला हुआ गया, क्योंकि इसके हम होल के साइज को कम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, पर हम लोग यहाँ पे नीडल लगा करके इस ऑर्फिस के इस छिद्र के होल को कम ज्यादा कर ले रहे हैं, तो ये हमारा वेरिएबल वाला ऑर्फिस चेक वाल कहलाएगा। ठीक है, तो और फिर चेक वाल समझ में आया, निडल जितना नजदीक रहेगी उतना प्रेशर से हवा कम जाएगी, क्योंकि छिद्र कम मिलेगा इसे, जितना निडल यहाँ पोर्ट से दूर रहेगी ऊपर रहेगी उतना ही जगह ज्यादा मिलेगा, उतना ही हमारा प्रवाह ज्यादा होगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व, देखिए जो नाम ही इसके क्या लग रहा है, प्रेशर रिलीफ होता है ना कि किसी को दर्द से रिलीफ मिल जाए, राहत मिल जाए, रिलीफ का मतलब क्या, राहत मिल जाना, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व मतलब जब प्रेशर ज्यादा हो और उससे राहत मिल जाए तो उसके लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज किया जाता है। जैसे कुछ जगहों पे आपका क्या होगा, आप मान लीजिए आपने किसी टैंक पोर्ट में प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा दिया, ठीक है, इसको हम लोग लगाते हैं कि कहीं पे ऑटोमेटिक के लिए, ठीक है, कि कहीं पे मान लीजिए प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो प्रेशर ज्यादा होने के केस में क्या होगा, टैंक वगैरह फट सकता है, तो उस टैंक पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें देखिए ये नॉब है हमारी, ये स्प्रिंग है और ये पोपेट है, पोपेट क्या है, इसमें प्रेशर पोर्ट से हमारा यहाँ से प्रेशर इस पे पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर इस पे पड़ेगा, तो प्रेशर पोर्ट पे क्या है, बिल्कुल चिपका हुआ है, मतलब इसमें से हमारी जो है वायु या गैस बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी ना, लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा कितना, इस स्प्रिंग के प्रेशर, क्योंकि ये स्प्रिंग प्रेशर लगा करके इस पॉपेट को इस होल को बंद कर रखा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये हमारा किससे कनेक्ट होगा, मैंने बताया हमारा टैंक से कनेक्ट होगा, जिसमें हमारा सॉरी जिसमें हमारा क्या होगा, जिस टैंक में हमारी वायु भरी जा रही है, तो उस टैंक से हमारा इस तरह से कनेक्ट रहेगा, तो टैंक में वायु भरने लगेगी, उसका प्रेशर इधर पड़ता रहेगा, तो टैंक में जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा, जो यह स्प्रिंग इस पॉपेट पे प्रेशर लगा रखी है इस वाल्व इस पोर्ट को बंद करने के लिए, अगर इस स्प्रिंग के प्रेशर से ज्यादा इस टैंक के अंदर प्रेशर होगा तो क्या होगा, यह प्रेशर लगेगा जब इस पे, तब यह इसको पीछे ढकेल देगा, भाई जितना स्प्रिंग का प्रेशर है उससे ज्यादा इस टैंक, अगर मान लीजिए टैंक हमारी, तो टैंक के अंदर जो प्रेशर है, इस स्प्रिंग पे लगे प्रेशर, जो स्प्रिंग का प्रेशर पोपट पर लग रहा है, इस पोपट पर जो टैंक का प्रेशर है या ज्यादा हो जाए इस स्प्रिंग के प्रेशर से, तो ये क्या करेगा, पोपट को पीछे को दबा देगा, स्प्रिंग दब जाएगी, पोपट पीछे हट जाएगा, और या फिर क्या होगी, ये जो एक्स्ट्रा वायु है जो कि उसे हम, वैसे क्या होता, अगर ये हमारा नहीं लगा होता प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो हमारा टैंक फट जाता ना, उसमें वायु ज्यादा होती और टैंक फट जाता, तो हम लोग इसलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाते हैं कि एक निश्चित सीमा के बाद जब ज्यादा प्रेशर हो तो हमारा यह जो क्या होगा, हमारा जो पोपट है या स्प्रिंग के सारे पीछे दब जाएगा और यहाँ से हमारा जो एयर होगी वो बाहर चली जाएगी और इधर से देखिए टैंक पोर्ट में चली जाती है, या फिर अगर मान लीजिए ऑयल है, ऑयल वाला होगा तो ऑयल का प्रेशर, भाई मान लीजिए ऑयल या द्रव वाला हमारा टैंक है, तो अगर उसमें प्रेशर ज्यादा होगा ऑयल या लिक्विड का, तो जैसे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा इस पे प्रेशर लगेगा आपका, ये हमारा पोपेट वाल पीछे चला जाएगा, और यहाँ से देखिए टी का मतलब क्या होता है, टैंक वाला, कि ये टैंक पोर्ट से कनेक्ट है, यहाँ से तेल जो होगा आएगा यहाँ टैंक पोर्ट में इकट्ठा हो जाएगा, और यह तब तक इकट्ठा होगा जब तक कि इसका प्रेशर कम ना हो जाए, जैसे इसका प्रेशर कम होगा टैंक का, फिर यह वापस स्प्रिंग दबा करके इस पोर्ट को बंद कर देगी, फिर ऑयल इसके अंदर रहेगा। तो यह सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग क्या, प्रेशर रिलीफ वाल्व, जब टैंक में प्रेशर ज्यादा हो जाए तब वो प्रेशर क्या करता है, इस पॉपेट वाल्व को दबा देता है, और उस एक्स्ट्रा जो हमारा तेल या फिर लिक्विड है वह टैंक पोर्ट में, यहाँ पे टैंक वाला पोर्ट है जो टैंक पोर्ट से कनेक्ट रहता है, वापस टैंक पोर्ट में आ जाता है, ठीक है, फिर जैसे ही प्रेशर कम होगा या फिर इसको बंद कर देगा। हम लोग इसको प्रेशर को भी कम ज्यादा कर नॉब को घुमा करके कितने प्रेशर पे ये पॉपेट पीछे हटे, भाई अगर नॉब को आप टाइट करोगे तो स्प्रिंग दबेगी, अगर स्प्रिंग दबी हुई स्टेज में रहेगी तो उसको ज्यादा प्रेशर लगेगा हटाने के लिए, और अगर स्प्रिंग खुली हुई पोजिशन में रहेगी तो कम प्रेशर लगेगा, तो नॉब की मदद से हम लोग इसको प्रेशर को भी कम ज्यादा कर सकते हैं कि टैंक में कितना प्रेशर हो तो यह पीछे हटे, तो इस नॉब की मदद से कम ज्यादा किया जा सकता है। तो यही काम हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व का है, तो यह फिगर किसका हो गया, प्रेशर रिलीफ वाल्व का हो गया। सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, नेक्स्ट पे चलेंगे। नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, देखिए हमने सारे पार्ट का नाम दे रखा था, देख रखा था कि यह सबसे ऊपर जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, या जिसको पूछ रखा है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्टॉप प्लग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टॉप प्लग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि यह जो है यहाँ पे क्या है, यह पिन जो लगी हुई है हिंज पिन होती है, क्या होती है, हिंज पिन होती है, और यह जो है हमारा यह क्या है, तो यह हमारा हिंज है, हिंज को हिंज पिन के द्वारा रोका गया है, यह हमारा क्या है, हिंज है,
ठीक है। हिंज के बाद इसकी बात करें या जो नीचे वाला है हिंज के जस्ट नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा डिस्क होता है। क्या होता है? डिस्क होता है। तो देखिए इस डिस्क को, इस हिंज को, इस नट ने पकड़ रखा है, इसलिए इस नट को क्या बोल दिया जाता है कि डिस्क हिंज नट, और डिस्क और हिंज को इसने पकड़ रखा है इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, डिस्क हिंज नट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में अगर इसको पूछा जाए तो यह क्या है, उसका बॉडी है, इसको बॉडी बोल दिया जाएगा, वाल्व का यह बॉडी है। ठीक है, तो डिस्क क्या है, डिस्क पता चला, स्टॉप प्लग जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा था, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, स्टॉप प्लग, डिस्क हिंज नट यहाँ पे हो गया, और हिंज पिन जो है हमारा यह हो गया हिंज पिन। सब क्लियर हो गया होगा, हालांकि ये चीज मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा नॉन रिटर्न वाल्व या फिर चेक वाल्व भी कहते हैं। चलिए अगला है, किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट एक आउटलेट होता है, किस वाल्व में, चाहे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक, देखिए हाइड्रोलिक न्यूमेटिक दोनों में वाल्व यूज किए जाते हैं फ्लू को कंट्रोल करने के लिए। तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा वाल्व है जिसमें हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में जिसमें भी यूज किया जाए वो वाल्व, उसमें दो इनलेट हो और एक आउटलेट हो। मुझे नहीं लग रहा इसको मुझे बताने की जरूरत है, अब तक आपको आंसर आ जाना चाहिए, फिगर देख रहे होंगे आप लोग, अभी जस्ट में पीछे बताया था, जस्ट इसी के क्या 361 वाले में उन्होंने बात किया था कि किसमें दो इनलेट है और आउटलेट उनका कॉमन ही था और इनलेट दो था, कौन सा वाला है? ऑप्शन सी, शटल वाल्व, इसी की बात कर रहे थे हम लोग ना भाई, इसी की तो बात हो रही थी कि जो शटल वाल्व है इसमें एक्स पोर्ट है और वाई पोर्ट है, दो पोर्ट है हमारे पास। जब हमारा वाई पोर्ट से इनलेट होता है, लिक्विड हो, द्रव हो या वायु, मान लीजिए वायु हमारा कहाँ, वाई पोर्ट से इनलेट किया, तो जो हमारा पोपट है वह एक्स पोर्ट को बंद कर देता है, तो जो वाई से आता है और ए से चला जाता, मतलब वाई हमारा इनलेट हो गया और ए पोर्ट हमारा आउटलेट का काम कर दिया, आउटलेट का मतलब वाई से आया और ए के पास चला गया, ए से निकल गया बाहर। अगर यही हम लोग एक्स पोर्ट से वायु को इंटर करें तो हमारा ये जो पोपट होगा क्या होगा, पोपट खिसक करके जाएगा, वाई पोर्ट को बंद कर देगा, वाई वाले पोर्ट को बंद कर देगा, अब एक्स से आएगा ए से चला जाएगा, मतलब एक्स भी इनलेट का काम किया, वाई भी इनलेट का काम किया, लेकिन आउटलेट के लिए एक ही कॉमन था ए पोर्ट, तो दो इनलेट हो गए और एक आउटलेट पोर्ट हो गया। यही मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछा दो इनलेट और एक आउटलेट किसमें होता है, तो शटल वाल्व में होता है, क्लियर होगा, पीछे भी मैंने बताया था। स्लाइड वाल, यह हम लोग कल ही चीज देख रखे थे, यहां पे देखिए स्लाइड वाल, स्लाइड वाल में क्या होता है, इसमें स्पूल होता है, उसमें पीछे ये क्वेश्चन आया था पिछले पार्ट में कि कौन सा हमारा जो है वाल्व होता है जिसमें हमारा स्पूल काम करता है, स्पूल जो होता है, तो वह स्पूल किसमें होता है, स्लाइड वाल्व में होता है। मैंने आपको बताया था भाई स्लाइड वाल्व और दूसरा सीट वाल्व होता है, स्लाइड वाल्व हमारा क्या होता है, उसमें अनुदैर्ध्य वाला होता है, अनुदैर्ध्य स्लाइड या स्पूल वाला होता है। ठीक है, उसके बाद चेक वाल्व, चेक वाल्व तो बताने की जरूरत है नहीं, यही हमारा चेक वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं, एनआरवी कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व मतलब यह एक ही दिशा में बहने की अनुमति देता है, वापस नहीं आने देता है, वही हमारा क्या होता है, चेक वाल्व होता है। सोलेनाइड वाल्व, यह भी बात हम लोगों की कल हो चुकी है पीछे वाला, इसलिए मैं कह रहा हूं पीछे की वीडियो देख लीजिए, एक ही चीज बार बार बात करेंगे तो टाइम खराब होगा। ठीक है, सोलेनाइड वाल्व का मैंने बताया था कि देखिए इस तरह से सोलेनाइड वाल्व, ये 3/2 सोलेनाइड वाल्व है ना, सोलेनाइड वाल्व का काम मैंने बताया था कि सोलेनाइड क्या करता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम में काम करता है, मतलब किसी भी चीज को जब ऑटोमेटिक सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर दे तो वह न्यूमेटिक काम करे, इलेक्ट्रिक पावर देने पे वो क्या न्यूमेटिक वाले को संचालित करे, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल न्यूमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो सोलेनाइड होता है, मतलब इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक के बीच इंटरफेस का काम करने के लिए क्या लगाया जाता है, सोलेनाइड लगाया जाता है। हम इधर से इलेक्ट्रिक पावर दिए, सोलेनाइड इलेक्ट्रिक को लेगा और न्यूमेटिक वाले को ऑपरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में बदल देगा, कौन, सोलेनाइड बदल देगा। और मैंने बताया भी था कि देखिए जब पहले क्या है, यह नॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ पे हमारी क्वाइल है और आर्मेचर, यहाँ पे आर्मेचर सीट बैठा हुआ है, आर्मेचर बिल्कुल सीट पे बैठा हुआ है, तो एक नंबर से यहाँ आएंगे और यहाँ पे देखिए जाने के लिए जगह नहीं है, यह बंद है इस समय, लेकिन जैसे ही हम लोग करंट फ्लो कराएंगे आप एसी या डीसी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक दोगे एसी या डीसी कोई भी दोगे तो आपका क्या होगा, जो हमारी यह क्वाइल होती है अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर खींचती है, जब यह केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करेगी अपने केंद्र की ओर, तो यह आर्मेचर जो होगा सीट से ऊपर उड़ जाएगा और एक नंबर से दो नंबर में जाने के लिए जगह मिल जाएगी और फ्लो हमारा शुरू हो जाएगा, यह सोलेनाइड वाल्व था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है इस प्रतीक का नाम क्या है, यह दिखा रखा है और पूछ रखा है इस प्रतीक का नाम क्या है, तो हम देख रहे हैं यह क्या है, एक तरह से एक पिस्टन है, हमारा क्या है पिस्टन है और सिलेंडर के अंदर है, या सिलेंडर है और सिलेंडर में पिस्टन आगे पीछे मूव हो रहा है, और पिस्टन के साथ यह क्या स्प्रिंग बनाया गया है, देख रहे हैं ना स्प्रिंग बनाया गया है, और इधर क्या होगा एक इसमें पोर्ट होगा, इनलेट पोर्ट होगा,
एक ही पोर्ट होता है, ठीक है। पोर्ट इसमें नहीं दिखाया था क्योंकि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की साइड पोर्ट तो होगा नहीं, तो इसी साइड ये हमारा पिस्टन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, और ये सिलेंडर में हमारा इनलेट पोर्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रखा है यह कौन सा है, तो हम देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है और एक पोर्ट है, तो कौन सा फिगर है, तो स्प्रिंग के साथ वाला देख लीजिए कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन लास्ट में सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग, तो ये ऐसे ही हो जाएगा भाई, विथ स्प्रिंग, स्प्रिंग भी लगा हुआ और सिंगल एक्टिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही साइड से इनलेट पोर्ट होता है, इधर से आप जो है इनलेट पोर्ट मतलब इधर से आप वायु या फिर लिक्विड जो भी भेजोगे तो हमारा पिस्टन क्या होगा, यहाँ पे जब वायु या लिक्विड इकट्ठा होना शुरू करेगा तो इस पिस्टन पे हमारा फोर्स लगाएगा, तो ये पिस्टन आगे को जाएगा, आगे का मतलब फॉरवर्ड मोशन में, ये गति देगा, फॉरवर्ड में गति करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड मोशन में जाएगा, आगे बिल्कुल चिपक जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, जब फॉरवर्ड मोशन हो गया तो फिर से फिर बैक फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड मोशन के बाद क्या ये पीछे आएगा, जो बैकवर्ड के लिए जब आएगा तो बैकवर्ड में क्या होगा, तब हम यहाँ पे यहाँ से वायु या जो फिर लिक्विड दे रहे थे उसको बंद कर देंगे, तब क्या होगा स्प्रिंग के प्रभाव में, अब स्प्रिंग की वजह से पिस्टन पे फोर्स लगेगा और उसको फिर प्रेशर लगेगा और यहाँ से जो जो भी यहाँ पे वायु या फिर पानी इकट्ठा हुआ था, द्रव इकट्ठा हुआ था, वह इसमें से फिर वापस होते हुए बाहर निकल जाएगा टैंक स्टोरेज में, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है स्प्रिंग की वजह से, हम लोग देते हैं फॉरवर्ड में चलने के लिए इधर से वायु या फिर लिक्विड, यहाँ से फोर्स या फिर तेल के द्वारा यहाँ पे फोर्स बनाया जाता है जिससे प्रेशर पड़ता है और ये स्प्रिंग दब जाती है, फॉरवर्ड मोशन में गति करता है। फिर जब बैकवर्ड में आने आता है तो हम लोग वाल्व को बंद, नीचे से वाल्व बंद कर देते हैं, अब क्या होगा, अब स्प्रिंग के प्रेशर से वो वापस पानी बाहर निकलेगा और बैकवर्ड मोशन में चला जाएगा। तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है। डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है, देखिए जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है ना, यह है यह फिगर जो है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर का, इसमें देखिए दो यहाँ पे पोर्ट दे रखा है, इस सिलेंडर में दो पोर्ट है, उसमें एक ही पोर्ट था इसलिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, इसमें दो पोर्ट है मतलब दोनों साइड से हम लोग प्रेशर देंगे। अभी मैं आगे फिगर के द्वारा आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे डबल पोर्ट वाला हमारा यह डबल एक्टिंग सिलेंडर काम करता है। डबल एक्टिंग सिलेंडर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बार इसमें इधर से हम वायु लिक्विड या तेल जो भी है, हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम पे चलाना है तो वायु देंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम पे चलाना है तो हम द्रव या फिर तेल को यहाँ पे प्रवाह कराएंगे, तो द्रव या फिर हवा जो भी यहाँ पे प्रेशर से पहले इस वाले पोर्ट से देंगे ना, या फिर मान लीजिए पहले इस पोर्ट से हमने दिया, पहले इस पोर्ट से हमने क्या दिया वायु या फिर तेल, जब इसमें भरेंगे तो क्या होगा पिस्टन बैकवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड नहीं होगा, किधर जाएगा बैकवर्ड जाएगा, तो वह देखिए यह पीछे चला गया, पिस्टन किधर चला गया हमारा इस दिशा में चला गया, जब इधर इधर तेल भरता गया तो इधर तो प्रेशर पड़ा, पिस्टन उधर चला गया, इधर जो भी तेल रहा होगा इस पोर्ट से नीचे निकल गया होगा आउटपुट का, ठीक है। अब जब हमें पिस्टन को क्या करना हो, फॉरवर्ड में मूव कराना हो, पिस्टन को फॉरवर्ड में, क्योंकि पिस्टन आगे पीछे गति करता है, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, ठीक है। तो उधर से हमने जब यहाँ पे क्या किया, द्रव या फिर एयर को जब यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये इसमें ये प्रेशर पड़ा और ये हमारा क्या हुआ बैकवर्ड आ गया और इधर के तेल इकट्ठा हो गया। अब इधर क्या हो गया, हमारा जो वायु हमने जो दिया था या जो हमने तेल दिया था वो इसमें इकट्ठा हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको फॉरवर्ड मोशन कराने के लिए अब इधर वाले को इनलेट बनाएंगे, इधर को इनलेट बनाएंगे, अब इधर आउटलेट हो जाएगा, ये टैंक से जाके कनेक्ट होगा या फिर बाहर वायुमंडल में चला जाएगा। अब इधर जब तेल या फिर हम कह लीजिए वायु इकट्ठा होना शुरू होगा, अब इधर का प्रेशर बढ़ेगा, इधर से जब हम देंगे तो इधर तेल वायु भरना शुरू होगा, इधर प्रेशर इकट्ठा होगा, इधर प्रेशर इकट्ठा होगा तो अब पिस्टन आगे को खिसकने लगेगा, पिस्टन खिसक करके फिर क्या होगा, पिस्टन खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा, पिस्टन खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो इसके अंदर जितना भी तेल रहा होगा जैसे जैसे दबाएगा वो इस आउटलेट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। फिर जब इधर से देंगे तो इधर जो तेल इकट्ठा हो फिर वो इस वाले पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, एक बार यह इनलेट, एक बार यह आउटलेट, एक बार यह आउटलेट, एक बार यह इनलेट, बार बार यह बदलता रहेगा इसी तरह से। तो यही हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है कि दोनों साइड से हमें हमारा काम करता है। उसका प्रेशर रिलीफ वाल्व यह वाला अभी हमने पीछे बात किया था, प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है, जब टैंक में प्रेशर बढ़ता है तो यह दब जाता है और उसको रिलीज करके यहाँ टैंक टी का मतलब टैंक स्टोरेज, यह जो होता है टैंक स्टोरेज में चला जाता है, जैसे प्रेशर हमारा उसका नॉर्मल हो जाता है फिर आकर के यह पोर्ट बंद हो जाता है, फिर हमारा उसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फिल्टर को हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर को सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर को, भाई जो हाइड्रोलिक पंप होता है वह सक्शन करेगा लिक्विड को, भाई पंप क्या करेगा लिक्विड को सक्शन करेगा खींचेगा, ठीक है, जो तेल होगा तेल में डूबा होगा तो तेल को द्रव में डूबा होगा तो द्रव को खींचेगा सक्शन करेगा, तो उस पे हम वही कह रहा है कि हाइड्रोलिक पंप में क्या होता है जो फिल्टर होता है उसको सक्शन लाइन में लगाते हैं, फिल्टर को कहां लगाते हैं सक्शन लाइन में खींचने वाले लाइन में। यह देखिए फिल्टर का मैंने फिगर ले रखा है, यह मैकेनिकल फिल्टर है, मैकेनिकल फिल्टर को हम लोग स्ट्रेनर भी कहते हैं। ये कौन सा फिल्टर मैंने ले रखा है, मैकेनिकल फिल्टर, अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, तीन चार टाइप के आते हैं ना, और सोसी आते हैं सोखने वाले, ठीक है, इब्जॉर्ड फिल्टर। तो ये देखिए मैकेनिकल फिल्टर हो गया, इसको हम लोग स्ट्रेनर भी बोलते हैं,
स्ट्रेनर का मतलब जाली होता है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं मैकेनिकल फिल्टर में क्या ये जाली नुमा या मेटल का जाली होती है, ये समझ लीजिए ऐसे गोल गोल टाइप का हम लोग जाली बना देते हैं और ऐसे लंबा से इसके अंदर डाल देते हैं ताकि इसमें क्या हो इधर से पानी इनलेट इधर से पानी अंदर जाए, तो ये जाली है, जाली टाइप का ना बड़े मतलब मेटल है उसमें ऐसे होल टाइप का बना दिया जाता है, जाली टाइप का बना दिया जाता है, इसी जाली को स्ट्रेनर कहते हैं, इसीलिए इसको मैकेनिकल फिल्टर भी बोलते हैं या स्ट्रेनर भी बोला जाता है। तो जब इधर से हमारा पानी आएगा द्रव आएगा तो द्रव में जो बड़े बड़े कण होंगे, द्रव में जो अशुद्धि ठोस के रूप में होगी, कणों के रूप में जो द्रव में अशुद्धि होगी वह इस जाली में छन करके पानी यहाँ से साफ बाहर निकल जाएगा, भाई पानी एंट्री करेगा इस जाली के अंदर जाएगा और पानी फिर जब बाहर निकलेगा तो जो भी इसमें ठोस कण या फिर जो भी गंदगी होगी यह स्ट्रेनर के अंदर रह जाएगी, इस जाली के अंदर रह जाएगी और शुद्ध पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या यूज किया जाता है, स्ट्रेनर यूज किया जाता है। तो इनलेट मैंने बताया ना, यहाँ पूछ रहा है हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर को या जो फिल्टर है सक्शन लाइन में क्यों लगाते हैं, ये पूछ रहा है। तो यह फिगर ध्यान से समझेगा, यह एक फिगर दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारा क्या है, यह हमारा टैंक है, समझ लीजिए हमारा टैंक है जिसमें हमारा क्या हो सकता है द्रव इकट्ठा है, द्रव इकट्ठा, यहाँ से द्रव को पंप के द्वारा खींचा जाएगा और आगे भेजा जाएगा जिससे पिस्टन आगे पीछे मूव कर सके। देखिए कौन सा पिस्टन है, तो देखिए इधर इधर दो पोर्ट है, इसका मतलब ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, जो अभी मैं पीछे बता रहा था, दो पोर्ट एक ही पोर्ट रहता और स्प्रिंग लगा होता तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विद स्प्रिंग, दो पोर्ट है तो डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह द्रव है या टैंक है जिसमें इकट्ठा है, अब इसमें से पंप पंप कौन सा है, तो देखिए यह पंप का सिंबल यह होता है, जो हमारा यह हमारा क्या है पंप है, भाई पंप पानी को खींच करके बाहर को फेंकता है ना, तो जब एरो बाहर को बना हो तो पंप, ठीक है। और अगर एरो कैसे बना होता, ऐसे गोला बना करके, और एरो कैसे बना देता, एरो हमारा अंदर को बना देता, तो यह मोटर कहलाता, ध्यान दीजिएगा मोटर का सिंबल पंप का सिंबल कैसे पहले, भाई पंप क्या करता है, पंप पानी खींच करके बाहर फेंकता है, तो देखिए जो एरो बाहर को है, एरो का दिशा कैसे है बाहर को है, तो आप समझ जाना, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कि भाई पानी पंप को खींचता है बाहर फेंक देता है, तो यहाँ पे एरो बाहर को है तो इसका मतलब यह जरूर पंप होगा, अगर एरो अंदर को है तो मोटर होगा, क्योंकि मोटर क्या करती है बिजली लेकर के अपना अंदर चलाती है, तो मोटर हो गया, मेन पंप का याद रखिए, मोटर अपने आप पता चल जाएगा कि पंप हमारा पानी बाहर को फेंकता है और इसमें एरो बाहर को लगा हुआ है, इसका मतलब यह पंप है, और एरो अगर अंदर को होगा तो उसको हम लोग मोटर कहेंगे। तो यह दोनों की पहचान है मोटर और पंप की, ठीक है, और वो भी यह सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला सिंगल है, अगर दो एरो बना होता तो डबल वाला हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा यह क्या है, हमारा पंप है, और पंप का वही बात किया था, देखिए पंप क्या होगा, यह यहाँ से सक्शन करेगा तो यह इनलेट हो गया, और यहाँ पे बाहर देगा या आउटलेट हो गया, भाई सक्शन करेगा पंप खींचेगा उधर बाहर दे देगा, तो यही पूछा था हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर को सक्शन लाइन में क्यों लगाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यह हमारा पंप था और पंप का यह सक्शन लाइन थी ना, तो यह सक्शन लाइन यहाँ पानी में डूबा होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या लगा दिया गया, यह जो फिगर है ना यह स्ट्रेनर का है या फिर कह लीजिए फिल्टर का सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है फिल्टर का, यह जो सिंबल है फिल्टर का, यह हमारा सिंबल किसका है, यह सिंबल हमारा पंप का है, तो देखिए यही हमारा पंप था, पंप डायरेक्ट पानी में ना पानी टैंक में पंप डायरेक्ट यहाँ से खींचता पानी और यहाँ बाहर फेंक देता, लेकिन हमने क्या किया, जो पंप जिधर से खींच रहा था, खींचने का मतलब सक्शन करना, चूसना खींचना, तो यह पानी को चूसेगा या खींचेगा फिर बाहर फेंकेगा, तो पंप जो यहाँ से सक्शन कर रहा था सक कर रहा था, हमने सक्शन वाले पार्ट में क्या लगा दिया, सक्शन वाले लाइन में पहले हमने फिल्टर लगा दिया, क्यों लगा दिया, जिससे कि पानी में जो गंदगी या जो मोटे कण होंगे, अगर हम यहाँ सक्शन नहीं लगाते तो सीधे इस पानी में जो गंदगी होती जो कण होते मोटे वो क्या कर सीधे पंप के अंदर चले जाते हैं और हमारे पंप क्या होते खराब हो जाते, भाई पंप में सीधे मोटे मोटे कण चले जाएंगे, गंदा पानी चला जाएगा तो पंप की लाइफ हमारी कम हो जाएगी, पंप जल्दी खराब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पंप से पहले उसका जो सक्शन लाइन है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं स्ट्रेनर लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। अब क्या होगा, यह जो पानी यह सक्शन करेगा यहाँ से खींचेगा यह पहले फिल्टर में जाएगा, फिल्टर से पानी साफ हो जाएगा, जो भी बड़े कण मोटे कण है वो वहां पे जाली में रह जाएंगे और यहाँ से फिर शुद्ध पानी हमारे पंप के अंदर जाएगा तो हमारा पंप खराब नहीं होगा, ठीक है। अब पानी पंप ने क्या किया, इसीलिए समझ में आया ये फिल्टर हमने क्यों लगाया सक्शन लाइन में, ताकि पंप खराब ना हो बाहरी कण अंदर ना जाए, वही देखिए ऑप्शन दिया प्रिवेंटिंग फॉरजिंग मैटर, मतलब बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, भाई हाइड्रोलिक पंप में हमने फिल्टर को सक्शन लाइन में क्यों लगाया, तो हमने हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है यहाँ पे, तो हमने पंप में जो है फिल्टर यहाँ पे लगाया, क्यों लगाया सक्शन लाइन में, जिससे कि बाहरी कण अंदर ना जाए, जो द्रव है दूषित द्रव अंदर ना जाए, दूषित द्रव में जो बाहरी कण है वो अंदर ना जाए, इसलिए हम लोग क्या लगा दिए बाहरी पदार्थ को रोकने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। अब पंप यहाँ से यहाँ पे लिया इसको और यहाँ से इसको भेज दिया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये ए बी पोर्ट में जाएगा, अब यहाँ से पहले जब यहाँ से पंप ने पानी को खींचा तो इसको इधर भेज दिया, देख रहे हैं एरो तिरछा दिखाया गया कि इस समय जो पुश बटन है ना ये हमारा काम करता है, देखिए दो पोर्ट वाला हमारा यह वाल्व है, अब इस समय इस वाले सिचुएशन में काम कर रहा है,
उसके बाद ये अथॉराइज्ड टू वे होता है ना, जितना इसमें पोर्ट होता है, तो देखिए एक दो तीन चार, चार पोर्ट है और दो पोजीशन है, एक दो, एक बार इस पोजीशन में काम करेगा, एक बार इस पोजीशन में काम करेगा, तो फोर पोर्ट और टू पोजीशन वाला हो गया करता ना। तो ये देखिए अब यहां से इसमें गया, अब इधर जाएगा, इधर से जाएगा, इधर को एंट्री करेगा, इधर से जाएगा और इधर जब यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, द्रव इकट्ठा होगा, तो फिर पिस्टन हमारा बैकवर्ड चला जाएगा, मूव करेगा। और जो दूसरा इधर पानी रहा होगा इसके पीछे, ये निकल करके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर देखिए यतिष्ठा हो गया है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और टी से मतलब टैंक में, ये दूसरे टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए हमें पोजिशन चेंज करनी, अब क्या करना हमें इसे, या तो फॉरवर्ड चला गया, अब इसे हमें फॉरवर्ड में चलाना है, या बैकवर्ड चला गया ना, पीछे चला गया, अब हमें पिस्टन को फॉरवर्ड में चलाना है, तो फॉरवर्ड में चलाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे भाई फॉरवर्ड में चलाने के लिए, ठीक है, अब यहां से जो हमारा जा रहा था ना, अब इस वाले जो वाल्व को है इसकी दूसरी पोजीशन में लाएंगे, इसको दबा देंगे, जब इसको दबा देंगे तो यह वाला जो हिस्सा है ना, यह वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने का मतलब क्या हो गया कि ये सीधा एरो है, तो मतलब यह यहाँ इसके साथ सीधा कनेक्ट हो जाएगा, और यह वाला इसके साथ सीधा कनेक्ट हो जाएगा, इसको पुश करेंगे तो यह वाला हिस्सा अब यहाँ पे आ गया, दूसरा पोजीशन यहाँ पे आ गया, अब यह काम करने लगा, अब जब पानी आएगा तो सीधे चला जाएगा, अब तिरछा नहीं जाएगा, अब पानी सीधे यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भरने लगेगा, जैसे इधर इसमें भरेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा या क्या करेगा, यह पिस्टन हमारा आगे को फॉरवर्ड मूव करने लगेगा। अब इधर जो हमारे लिक्विड इकट्ठा रहेंगे, जो द्रव इकट्ठा रहेंगे, अब वो इधर से बाहर आने लगेंगे, इधर से बाहर आएंगे, देखिए सीधे आ रहा है, सीधा बाहर आएगा और यहाँ टैंक में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह वाल्व काम करता है, ठीक है, फोर पोर्ट हो गए, दो पोजीशन हो गए, एक बार इस पोजीशन में, एक बार इस पोजीशन में, जब फॉरवर्ड चलाना है तो इस पोजीशन को एक बार दबा देंगे, पुश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारा फॉरवर्ड में चला जाएगा, फिर बैकवर्ड चलाना है, फिर पुश करेंगे पीछे को आ जाएगा, तो फिर इधर से तिरछा जाने लगेगा, बैकवर्ड में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है, ठीक है, यह मैंने सिस्टम तो थोड़ा सा समझाने के लिए ले लिया था, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। पाइपलाइन में प्रवाह के फाइन कंट्रोल के लिए, मतलब जो हमारा प्रवाह हो रहा है उसको हम चाहे तो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा फाइन कंट्रोल करना चाहे तो कौन से वाल्व की मदद से हो सकता है। पहला है देखिए गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व, ठीक है, गेट वाल्व यह पहला फिगर है गेट वाल्व का। देखिए गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व को अंदर से आप ऐसे पहचान सकते हैं कि गेट वाल्व जो होगा ना बिल्कुल सीधा, अंदर जो इसकी आकृति होगी ना देखिए बिल्कुल सीधा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा होता है, जबकि ग्लोब वाल्व में अंदर थोड़ा सा ऐसे बना होता है, इस टाइप से ग्लोब टाइप का कटा होता है, देख रहे हैं ना, इसमें सीधा नहीं है, ऐसे ग्लोब टाइप का बना हुआ है। बाहर से भी पहचान में ज्यादातर आ जाते हैं, बाहर से भी देखेंगे ना तो जो ग्लोब वाल्व होता है तो इस तरह से ऐसे बीच में उभरा हुआ रहता है, जबकि ज्यादातर जो गेट वाल्व होते हैं बिल्कुल सीधे रहते हैं। अगर बाहर से ना समझ में आए तो मेन अंदर से होता है, बाहर कभी कभी गेट वाल्व में भी ऐसे राउंड बॉडी बना सकता है, पर अंदर क्या होगा बिल्कुल सीधा होगा। अगर अंदर बिल्कुल सीधा फ्लैट है, इस तरह से बिल्कुल सीधा आयताकार है तो हमारा गेट वाल्व, और अंदर इस तरह से बना हुआ है ग्लोब टाइप का तो ग्लोब वाल्व, ठीक है। गेट वाल्व हमारा यूज किया जाता है द्रव के लिए, या तो खुली स्थिति में रहती है या बंद, मतलब पानी को कंट्रोल नहीं करता, द्रव को कंट्रोल करने के लिए हम लोग गेट वाल्व यूज नहीं करते हैं। गेट वाल्व का यूज किया जाता है या तो पूरी तरह से लाइन को बंद कर दिया जाए, या तो पूरा, मतलब गेट वाल्व या तो पूरी तरह से बंद होगा या पूरी तरह से खुला रहेगा। पानी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, या तो पूर्ण रूप से बंद होता है या पूर्ण रूप से खुला होता है। जबकि जो हमारा ग्लोब वाल्व होता है या हमारा द्रव और गैस दोनों के लिए यूज किया जाता है, द्रव और गैस दोनों के लिए, या सिर्फ द्रव के लिए यूज करते हैं, गैस के लिए नहीं। गेट वाल्व जो कि ग्लोब वाल्व जो हमारा है यह ग्लोब वाल्व, ठीक है, यह गेट वाल्व का फिगर हो गया, यह किसका हो गया, यह ग्लोब वाल्व का हो गया, यह ग्लोब वाल्व का हो गया और यह गेट वाल्व का हो गया। जो हमारा ग्लोब वाल्व यूज किया जाता है, यह द्रव और गैस मतलब स्टीम और द्रव दोनों के लिए यूज किया जाता है, और इसकी अपेक्षा इसको हम लोग पानी को कंट्रोल करने या स्टीम को कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद नीडल वाल्व, देखिए यह वाला फिगर जो हमारा किसका है, नीडल वाल्व है, इसमें देखेंगे तो यह देखिए यहाँ से इनलेट है और इधर आउटलेट है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए बहुत पतला सा होल बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, इस वाल्व में नीडल जैसी आकृति यहाँ पर इसको बंद कर रखी है, यहाँ पर देखेंगे तो नीडल जैसी आकृति है जो यहाँ पर इस होल को बंद कर रखी है। तब क्या होगा भाई, नीडल वाल्व है ना महीन है, थोड़ा सा अगर हम इसको घुमाएंगे तो नीडल हल्का सा छिद्र देगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ से जो होगा पानी इसमें जाएगा, अगर हम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, मतलब अगर हम बहुत थोड़ा सा फ्लो को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, फाइन मात्रा में थोड़ा सा कम ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो चूंकि इसमें नीडल लगा हुआ है और उसी के बराबर छिद्र बंद है, तो यह क्या करेगा, नीडल की वजह से, भाई नीडल मतलब सुई, सुई टाइप का है, तो या फिर फाइन कंट्रोल करने के काम आएगा। और क्वेश्चन में भी पूछा भी था कि महीन नियंत्रण और फाइन कंट्रोल के लिए, तो हमें मालूम है नीडल टाइप का लगा होगा तो महीन होगा तो महीन कंट्रोल के काम आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, निडल वाल्व।
ठीक है। नॉन रिटर्न वाल्व, तो नॉन रिटर्न वाल्व हम लोगों ने देखा था, यह नॉन रिटर्न वाल्व का फिगर है जो कि एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है, विपरीत दिशा में नहीं आने देता है। तो ये तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक कर दे। देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या है, मैं आपको पीछे बता चुका हूं, यह जो फिगर है आपका, ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व का फिगर यह है, ठीक है। चेक वाल्व क्या है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, चेक वाल्व का फिगर यह वाला है। ग्लोब वाल्व क्या है, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया आपको, ग्लोब वाल्व का फिगर यह वाला है और शटल वाल्व का फिगर यह वाला है, चारों का फिगर है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है भाई, एक ही दिशा में द्रव की प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं, अभी मैंने पीछे बताया भी था। तो इसका जो जवाब है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लो, और जो चारों ऑप्शन है सबके बारे में बता रखा है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। मैं देखूंगा कितने लोग सही करते हैं कि 367 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर अधिक प्रेशर हो जाए तो कौन सा वाला बचाता है, यह भी मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है भाई। गेट वाल्व मैंने आपको बता रखा है, यह गेट वाल्व का फिगर है। ग्लोब वाल्व, यह ग्लोब वाल्व का फिगर है, यह भी मैं आपको बता रखा हूं, ठीक है। नॉन रिटर्न वाल्व, यह नॉन रिटर्न वाल्व या जिसे हम लोग चेक वाल्व कहते हैं, यह भी मैं आपको बता रखा हूं। अब बचा क्या, रिलीफ वाल्व, ठीक है। रिलीफ वाल्व कहिए या प्रेशर रिलीफ वाल्व कहिए, दोनों एक ही बात है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, यह भी मैंने आपको बताया था कि जब कहीं पे क्या हो, अधिक प्रेशर हो जाए, वही बोल रहा है कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचना, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम के ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो उसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है। प्रेशर ज्यादा होता है क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा होता है यहाँ पे इसके पोपट पे प्रेशर पड़ेगा और पीछे को हट जाएगा, स्प्रिंग दब जाएगी, पोपट सहित स्प्रिंग पीछे को दब जाएगी, और जो हमारा अत्यधिक प्रेशर, जो भी हमारा द्रव या तेल है, वह क्या करेगा, यहां से होते हुए इस वाले पोर्ट से टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में, फिर यह वापस से इसको ब्लॉक कर देगा पोर्ट को, और वह हमारा नॉर्मल काम करने लगेगा। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व या रिलीफ वाल्व, यही हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से हमें बचाता है। अगला कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है। देखिए वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है, ठीक है। विच गेज इंडिकेट प्रेशर वाल्व अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई जो कि जो नॉर्मल हमारा, जैसे हम खड़े हो, आप खड़े हो, कोई यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। हमारे ऊपर, आपके ऊपर, कोई भी वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, सबके ऊपर हमेशा एक प्रेशर लगता रहता है जो हमें पता नहीं चलता, पर हमारे ऊपर हमेशा एक दाब लग रहा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सबके ऊपर लग रहा होता है, ठीक है। तो वही पूछा कि एटमॉस्फेरिक के ऊपर, मतलब हम जो भी, जैसे आपने देखा होगा ना किसी मशीन में हवा भरने जाते हैं, तो वहां पे वो लोग जो गेज लेकर के चेक करते हैं पहिए में कि प्रेशर कितना है, तो वो जो गेज प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं, जो दबाव को मापता है। तो वो जो गेज प्रेशर मापता है ना, वो एक्चुअल दबाव को नहीं देता है, वो दबाव मापता है जो वायुमंडलीय दबाव के ऊपर होता है, मतलब वायुमंडलीय दबाव से ऊपर वाले दबाव को मापता है, वो एक्चुअल दबाव नहीं देता। अगर आपको किसी भी चीज का एक्चुअल दबाव निकालना है, तो जो जैसे आपकी गाड़ी के में कितना प्रेशर है उसके टायर में, तो जो आपने देखा गेज दबाव से जो प्रेशर दिखा रहा है, वो प्रेशर प्लस उसमें वायुमंडलीय दबाव को भी जोड़ेंगे, तब वो एब्सोल्यूट प्रेशर निकलेगा, अत्यंतिक कैलोरी या वाकई दाब निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना होता है। तो वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाले को इंगित करता है, तो मैंने बताया आपको प्रेशर गेज। प्रेशर गेज ही क्या होता है, जो हमारा मापता है वायुमंडलीय दबाव को, ऊपर के दबाव को गेज प्रेशर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। गेज प्रेशर होता है जो वायुमंडलीय दबाव को मापता है। देखिए अगर हमारी बात किया जाए एब्सोल्यूट प्रेशर का, कि अगर कहीं पर भी सच में प्रेशर कितना अगर आपको जानना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर वाकई वास्तविकता में दाब कितना है, तो हमारा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, या फिर कभी कभी हमारा क्या होता है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर वाले में स्पेलिंग छूट गई है, देख लीजिएगा आप लोग, -वैक्यूम प्रेशर
ठीक है, ये दो फार्मूले है, कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, तो जब गेज प्रेशर होगा भाई, जब वैक्यूम प्रेशर का मतलब होगा वायुमंडलीय दाब से नीचे, जो वायुमंडलीय दाब से नीचे दाब को मापा जाता है तो उसको वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, निर्वात वाला, ठीक है। तो हमारा क्या वैक्यूम प्रेशर, अगर वैक्यूम प्रेशर है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घटाना पड़ेगा, गेज प्रेशर है तो उसको जोड़ा जाता है। तो अगर दबाव हमारा क्या चूसड़ दाब है तो उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, और वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घटाते हैं, तब हमें एक्चुअल पता चलेगा कि वाकई में दाब क्या था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो आपको प्रेशर गेज, जो भी मशीनों में कोई प्रेशर गेज लगा है जो प्रेशर दिखा रहा है, या जो टायर वाले पंचर वाले जो प्रेशर नापते हैं आपकी गाड़ी का, तो वह एक्चुअल प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर दिखाता है जो वायुमंडलीय दबाव के ऊपर वाला प्रेशर है। अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दबाव जनरली एक बार रहता है, कितना रहता है एक बार है, तो इसके ऊपर का उनका प्रेशर दिखाता है, जो भी प्रेशर दिखाएगा इसके ऊपर का दिखाएगा, तो एक्चुअल दाब नहीं। अगर आपको जानना सच में टोटल कितना दाब लग रहा है, तो जो गेज प्रेशर में दाब दिखाया उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को जोड़ देंगे तब पता चलेगा कि टोटल दाब कितना है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, देखेंगे हम लोग इस टाइप से। देखिए कह रहा है प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है। देखिए प्रेशर गेज के मान, प्रेशर गेज क्या, गेज प्रेशर को मापता है, मैंने बताया ना प्रेशर गेज किसको मापता है, गेज प्रेशर को, मतलब जो वायुमंडलीय दबाव को ऊपर का दाब होता है उसको प्रेशर गेज के माध्यम से मापा जाता है, तो वही है यहाँ पे, तो गेज प्रेशर मापते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो भाई मैंने बताया जो नॉर्मल वायुमंडलीय दबाव होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, जनरली कितना होता है मीट्रिक में देखा जाए तो एक बार होता है, क्या होता है एक बार होता है वायुमंडलीय सतह पर, यह हमारा 1013.25 मिली बार है जो समुद्री सतह पे मापा गया था, नॉर्मल हमारा जो है, ठीक है। या फिर इसको पास्कल में बदल लिया जाए तो 101.325 किलो पास्कल, यह हमारा क्या है वायुमंडलीय दबाव है, तो यहाँ पे जो प्रेशर गेज क्या करेगा वायुमंडलीय दबाव के ऊपर का दाब मापता है, तो इसलिए उसे गेज प्रेशर बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया यह वायुमंडलीय दबाव होता है जो समुद्री सतह पर मापा गया था, ठीक है। और वैक्यूम प्रेशर तो जो वायुमंडलीय दबाव से नीचे का प्रेशर होता है, मतलब वायुमंडलीय दबाव के ऊपर जो दाब है वह गेज प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव से जो नीचे का दाब है वो वैक्यूम प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तो वही एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर कर देंगे तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर पता चल जाएगा, परम दबाव, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम कर देंगे तब भी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर पता चल जाएगा कि परम दबाव टोटल दबाव कितना है। अगले वाले को देखेंगे। अगला कह रहा है प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई P इज इक्वल टू एफ अपान ए, फार्मूला तो मेरे ख्याल से सबको याद होगा। एफ क्या होता है, हमारा बल होता है, फोर्स होता है, अपान एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, मतलब इसका देखा जाए तो बल का मात्रक न्यूटन, एरिया का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका मात्रक हो गया एक तरह से, ठीक है। तो फोर्स का यह फॉर्मूला हो गया आपका, यह एसआई मात्रक है हमारा। पूछता है कई बार कि जो हमारा फोर्स है, जो प्रेशर है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के लीजिए, या इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है। यह हमारा क्या है, यह एसआई मात्रक है, यह दोनों कौन से मात्रक है, एसआई मात्रक है। मीट्रिक वाला पूछता तो वह बार हो जाता, मीट्रिक मात्रक क्या होता है बार होता है, एक बार के बराबर जनरली हमारा वायुमंडलीय दबाव होता है, तो हमारा एक बार जो है यह मीट्रिक मात्रक है, कौन सा मात्रक है प्रेशर का मीट्रिक मात्रक है, और वह एसआई मात्रक है, ठीक है। मीट्रिक मात्रक एक बार होता है जो कि हमारा 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर के लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर के लगभग बराबर होता है, या कह सकते हैं एक बार जो होता है हमारा 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है, 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है, 1,00,000 पास्कल लिखिए, देखिए क्या है 22,000,000, 10,00,000, ठीक है, या फिर 10^5 पास्कल लिखिए, दोनों की बात हो गया। इन सब पॉइंट को याद रखिएगा कि जो हमारा प्रेशर है, जो दाब है, उसका मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारा प्रेशर का एसआई मात्रक है। अगर प्रेशर का मीट्रिक मात्रक पूछ ले तो वह बार होता है, क्या होता है बार होता है, एक बार जो होता है हमारा 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर के बराबर होता है, या 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है, 10^5 पास्कल के बराबर होता है। और वायुमंडलीय दबाव कितना होता है, यह मैंने बताया था एक बार बराबर कितना होता है, जो वायुमंडलीय जो समुद्री सतह पर मापा गया था 1013.25 मिली बार या 101.325 पास्कल, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्या पूछ रहा है,
कि निरपेक्ष दबाव या परम दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर या वाकई दाब की गणना करने के लिए सूत्र का क्या उपयोग किया जाता है। सब एक ही नाम है, ठीक है, जितना मैंने नाम लिया सब एक ही बात है। एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग मैंने बताया था। एब्सोल्यूट प्रेशर आपको अगर वाकई दाब जानना है तो जो वायुमंडलीय दाब है, अगर आपको उससे ऊपर का प्रेशर है तो वायुमंडलीय दाब मतलब एब्सोल्यूट सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर को जोड़ दीजिए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। अगर हमारा दबाव माइनस में आ रहा है, अगर निर्वात में नीचे आ रहा है, वायुमंडल दबाव से नीचे अगर हमारा मान आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेरिक है वायुमंडल दबाव है उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है, और इसमें क्या होता है इसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर है। माइनस कब होता जब वैक्यूम प्रेशर होता, माइनस कब होता जब वैक्यूम प्रेशर होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये वाला सही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी गुणा से कोई मतलब है नहीं, भाग से मतलब है नहीं। प्लस माइनस होता है, प्लस कब होता है जब गेज प्रेशर होता है जब वायुमंडल दबाव को ऊपर दाब मापता है, माइनस कब होता है जब वैक्यूम प्रेशर होता है जिसे चूसड़ दाब भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एसआई में प्रेशर की इकाई क्या है। मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत, अभी मैंने आपको बताया कि एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर मैंने आपको बताया था क्या पास्कल, या फिर बताया था मैंने पास्कल, किसमें बताया था एसआई में बताया था, मीट्रिक में क्या मैंने बताया केजी प्रति सेमी स्क्वायर, एप्रोक लगभग केजी प्रति सेमी स्क्वायर, या फिर हमारा कितना हो जाता है 1,00,000 पास्कल हो जाता है, ठीक है। एक बार बराबर क्या था, एक बार होता है मीट्रिक में, और केजी प्रति सेमी स्क्वायर या फिर किसके बराबर है 1,00,000 पास्कल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, एसआई में पास्कल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है देखिए वही क्वेश्चन आ भी गया, 1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की 1 मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है। तो हमें मालूम है मीट्रिक इकाई क्या बार है, और मैंने बताया था एक बार बराबर क्या होगा, एक बार बराबर होगा हमारा 1,00,000 पास्कल, ये बताया था ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक सही हो जाएगा एक बार बराबर। भाई अगर किलो पास्कल लिखना है ना तो वही चीज हमें बदलना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया 101.325 ना। चलिए कह रहा प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है। देखिए फिर वही चीज आ गई, मैंने तीनों बताया था कि जो एक बार होता है, एक बार हमारा एक प्रॉक 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर के लगभग होता है, या फिर 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। देखिए दोनों क्या बताया था मैंने मीट्रिक में, मीट्रिक वाला दोनों आ भी गया, एक हजार वाला 1,00,000 वाला भी पूछ लिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है, तो बार का मान क्या 1 kg प्रति सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाई मीट्रिक में जाएंगे तो जो लंबाई है तो सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे तो जहां मीटर था वहां सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बल के जगह भार होता है तो किलोग्राम में आ जाएगा, तो केजी प्रति सेमी स्क्वायर अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए मुझे लग रहा है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा चीजें अच्छे से समझ में आ रही नहीं आ रही, मजा आ रहा है पढ़ने में नहीं आ रहा है, जो भी हो कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं उसको एडिट करूंगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।